everybody here is so happy and so thrilled to be on the set, to be in front of the camera, to be performing. The show is already on air and people have given some tremendous response. So I think just the whole energy of the show, the shooting, the actors, everything is very, very good. Hindustan bhar mein aur bahar bhi, jo log ye dekhenge, jo ladies especially ye dekhne wali hain show, wo isse bahut deeply connect karne wali hain, bahut deeply unka emotional aur sentimental connect. राजन शाही की जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, हर चीज उन्होंने कवर करी हुई है. देयर इज नो स्टोन अनटर्न्ड. हर इंसान के लिए जो सेट पे आया उसके लिए एक एक तरह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम लोग सब वापस सेट पे आ गए और हम लोग शूट कर रहे हैं एक साथ. So, Sudhanshu ji, welcome to Sazvo Suspense. Welcome to India TV. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. Thank you for having me, Paras. सबसे पहले तो many congratulations, क्योंकि बहुत लंबे इंतजार के बाद finally टीवी सीरियल्स का जो इंतजार था वो खत्म हुआ है व्यूअर्स के लिए, फैंस के लिए. और सबसे बड़ी राहत की बात ये कि अनुपमा इज बैक, क्योंकि बहुत वेट कर रहे थे लोग और बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन शो शुरू नहीं हो पाया था. लेकिन अब लॉकडाउन जब अंत हो रहा है तो अनुपमा वापस आ गई है अपनी पूरी फैमिली, पूरे परिवार के साथ. जी बिल्कुल. अनुपमा एक्चुअली बहुत पहले आने वाली थी, बट अनुपमा को कोरोना वायरस की वजह से रोक लग गई थी. वी वर गोइंग टू गो ऑन एयर इन मार्च एंड अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त लॉकडाउन शुरू हुआ और हम लोग का पहला एपिसोड आने से रोक दिया गया, बिकॉज हम लोग ने सिर्फ तब तक ये एपिसोड ही शूट किए थे. तो या सो नाउ फाइनली बाय God's grace, things are settling down a bit and everybody is back on set and we've started shooting full on the screen today. I think we are in the eighth day of shooting. So, you know, just finished a week of shooting in Film City. अच्छा, जब से शूटिंग शुरू हुई अनुपमा की तब से बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे पास आए हैं, जो आपके वीडियोस हैं, रूपाली जी के वीडियोस हैं, पूरी कास्ट एंड ग्रुप के वीडियोस है कि कितनी मस्ती हो रही है सेट पर, सारी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन करते हुए बहुत मस्ती के साथ शूट किया जा रहा है. हाँ, बिकॉज क्या है कि जब इस तरह का माहौल हो, हम लोग सब 3 महीने अपने अपने घरों में रह के आए और 3-3.5 महीने हम लोग घर में रहे हैं, बहुत अंडर स्ट्रेस रहे हैं, बहुत परेशान रहे हैं. तो आई थिंक हर इंसान के लिए जो सेट पे आया उसके लिए एक तरह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम लोग सब वापस सेट पे आ गए और हम लोग शूट कर रहे हैं एक साथ. हालांकि बहुत सारे प्रिकॉशंस और बहुत सारे टेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ सेट पे आए और ऑब्वियसली क्योंकि सब लोग सेफ हैं और सब लोग हेल्दी हैं तो सबका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है. और एक एक्टर के लिए मेरे ख्याल से बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट एंड दैट इज व्हाट आई थिंक एवरीबॉडी यू कैन सी that everybody here is so happy and so thrilled to be on the set, to be in front of the camera, to be performing. And like you said earlier, Anupama ka promo jab aana shuru hua tha March se, to jo response is show ke liye aane laga tha usi waqt se, we were very happy and people were still really eagerly waiting for the show to actually air. And now again people have connected with the show and the show is already on air and people have given some tremendous response. So I think just the whole energy of the show, the shooting, the actors, everything is very, very good right now. By God's grace, touch wood. Acha, teen bahut hi superb actors ek saath aa rahe hain is show ke zariye, ek aap, ek Anu Kapoor ji aur ek Rupali khud. तो मुझे लग रहा है कि जो टिकड़ी है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टर्स की जो टिकड़ी है, बहुत कमाल करने वाली, बिकॉज चाहे वो आपका और रूपाली जी का प्रोमो हो बच्चों के साथ जब फर्स्ट प्रोमो जो आए थे, और चाहे वो अनु कपूर और रूपाली जी का प्रोमो जो प्रोमो है उसको भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है. लोगों में जेन्युइनली बहुत क्यूरियोसिटी है. इनफैक्ट आई रिमेम्बर कुछ लेडीज ने मुझसे कहा कि ये शो यार कब आएगा, हमें बड़ा इंतजार है, कोरोना के चक्कर में ये शो हमारा मिस हो रहा है. महिलाओं को बहुत इंतजार है इस शो का. जी, उसकी वजह ये है कि ये एक्चुअली जिस तरह से प्रोमो दिखाया जा रहा है उसमें बहुत ही क्लियर है कि ये एक
एक ऐसी गृहिणी की कहानी है जो पूरी तरह से अपने आप को अपने परिवार के लिए डेडिकेटेड रखती है, और मेरे ख्याल से हर औरत जो एक परिवार को संभालती है वो इससे रिलेट कर पाएगी, जो कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में हर घर की औरत करती है। तो एंड स्पेशली द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास फैमिली की एक कहानी भी है ये, और हर मिडिल क्लास में जो एक माँ होती है, चाहे वो बहन हो किसी की, चाहे वो किसी की माँ हो, चाहे किसी की बहू हो या बीवी हो, वो एक औरत जो होती है वो सूत्रधार होती है एक फैमिली। और वो सूत्रधार इसलिए क्योंकि वो पूरे परिवार को एक धागे में बांध के रखती है, और वो कैसे वो सब मैनेज करती है, किस तरह से करती है, ये कभी कोई समझ नहीं सकता, बिकॉज इट रिक्वायर्स सुपर ह्यूमन क्वालिटीज टू बी एबल टू डू दैट। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान भर में और बाहर भी जो लोग ये देखेंगे या जो लेडीज स्पेशली ये देखने वाली हैं, तो वो इससे बहुत डीपली कनेक्ट करने वाली है, बहुत डीपली उनका इमोशनल और सेंटिमेंटल कनेक्ट। अच्छा सुधांशु जी, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से दो तरीके के असर पड़े अनुपमा में। पहला तो शो थोड़ा सा डिले हुआ, और दूसरा कि एक एक्टर जिनको कोरोना हुआ और उसके बाद उनको शो छोड़ना पड़ा और उनकी जगह एक दूसरे एक्टर्स ने ज्वाइन किया। अदिति गुप्ता हम सब जानते हैं कि शो का हिस्सा थी और उनको कोविड हुआ, वो इन्फेक्टेड थी और उसकी वजह से उनको शो छोड़ना पड़ा और उसके बाद मदन सा की एंट्री हुई सेम कैरेक्टर में। तो कोरोना ने कहीं ना कहीं तो शो को इफेक्ट किया है। देखिए, शो को अगर मैं वैसे कहूँ टेक्निकली तो इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि शो अभी एयर पे नहीं गया था, तो किसी ने अदिति के कैरेक्टर को देखा नहीं था, अदिति के फेस को देखा नहीं था अभी तक। तो शो एयर अभी गया है, दो एपिसोड ही गए हैं एयर पे। तो एडवांटेज हमारा ये था कि क्योंकि वो शो शुरू नहीं हुआ था तो किसी ने कैरेक्टर को देखा नहीं था, और इसीलिए मदालसा की एंट्री जो हुई है वो एकदम करेक्ट टाइम पे हो गई है, और उन्होंने शूट भी करना शुरू कर दिया। तो पीपल हु विल सी दिस कैरेक्टर विल ओनली सी मदालसा इन दिस कैरेक्टर एंड नॉट अदिति। तो टेक्निकली इट हैज नॉट अफेक्टेड, बट आई थिंक मेंटली इट अफेक्टेड ऑल ऑफ अस, बिकॉज वन ऑफ आवर एक्टर्स गॉट अफेक्टेड एंड वन ऑफ आवर एक्टर्स गॉट इन्फेक्टेड, एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड यू नो थिंग टू हियर about anybody who you know or you're working with be affected by this virus, and whether or not it is dangerous or whatever, it does affect you mentally and it does scare you a little bit. But Aditi is fine, she's a strong girl and I think she's fighting back, and she's, I think by now I'm sure she's almost back to normal. अच्छा सुधांशु जी, एक चीज और, सीरियल्स की शूटिंग जरूर शुरू हुई है, सभी चैनल्स पे ऑन एयर भी आ गए हैं सभी सीरियल्स, लेकिन वन ऑफ द एक्टर्स ऑफ कसौटी जिंदगी की पार्थ सन खान टेस्टेड पॉजिटिव फ्यू डेज अगो और उसके बाद शो की शूटिंग बंद हो गई। तो इस चीज को लेकर अब काफी डर है बहुत सारे सेट्स पर कि अगर कोरोना पहुंचता है सेट पर तो कहीं एक बार फिर से शूटिंग बंद ना हो। आई एम श्योर जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं और जीसी चैनल्स हैं वो प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं शूट के लिए, और हमने खुद भी सेट पर आके देखा, हम आपके भी सेट पर आए थे अभी 3 दिन पहले, और हमने देखा कि कितने ज्यादा प्रिकॉशंस, जो मैक्सिमम प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं वो लिए जा रहे हैं हर टीवी सीरियल के सेट पर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर तो है ही कि अगर किसी को भी किसी के भी जरिए अगर कोविड सेट पे पहुंचता है तो शूटिंग इम्पैक्ट हो सकती है। किस तरीके का कोई प्रिवेंशन है, बिकॉज शो अभी शुरू हुआ है। देखिए, ये स्ट्रेस तो हम सबको है, चाहे वो टीवी के सेट पे हुआ हो, चाहे मिस्टर बच्चन को हुआ हो, उनके पूरे परिवार को हुआ, या अनुपम खेर की मदर को हुआ। जब भी आप इंडस्ट्री में किसी के बारे में सुनते हैं तो आपको ऑब्वियसली यू गेट वरीड एंड यू गेट अ लिटिल वर्कअप, बट कहने का मतलब ये है कि द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस, फॉलो ऑल द गाइडलाइंस एब्सोल्युटली करेक्टली, एंड नॉट पैनिक एट ऑल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना पर्सनल ध्यान कितनी अच्छी तरह से रखें, बिकॉज अगर हम अपना पर्सनल ध्यान अच्छी तरह से रखेंगे तो हम दूसरों को भी संक्रमित होने से रोकेंगे, बचाएंगे, और खुद को भी संक्रमित होने से रोकेंगे। तो अल्टीमेटली इसमें भी एक पूरे टीम वर्क की जरूरत है, क्योंकि एक एक्टर जब सेट पे आता है तो सिर्फ सेट पे ही उसके इन्फेक्टेड होने का खतरा नहीं रहता,
उसके इन्फेक्टेड होने का खतरा रहता है बाहर से, क्योंकि जब आप सेट छोड़ के जाते हैं या घर जाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को जितना कम सोशली एक्टिव रखें उतना अच्छा है, लोगों से ना मिलें, इधर उधर ना जाएं, आप अपने आप को घर में रखें, कंफाइंड रखें और सिर्फ अपने सेट से घर जाएं और घर से सेट पे आएं। क्योंकि सेट पे तो जैसे आपने बोला, मेरे सेट पे राजन शाही की जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बेहतरीन प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, बेहतरीन प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, हर चीज उन्होंने कवर करी हुई है। देर इज नो स्टोन अनटर्न्ड, एवरी थिंग हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो जिसमें वो पूरा दिन यहाँ पे काढ़ा, नींबू पानी और इस तरह की चीजें मिल रही हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, पूरी यूनिट को बढ़ता रहता है वो सब। उसके अलावा सैनिटाइजर, जो हर 4 कदम पे सैनिटाइजर पंप लगे हुए हैं, दिन में 3 बार रूम सैनिटाइज होते हैं, बाथरूम सैनिटाइज होते हैं और टेम्परेचर्स चेक होते हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक होता है, तो हर प्रिकॉशन लिया जा रहा है और इसके ऊपर और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। तो इसके बाद सिर्फ हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने आप को कितनी अच्छी तरह से संभाल के रख रहे हैं, हम कैसे अपने हाइजीन का ध्यान दे रहे हैं और हम कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं इवन आउटसाइड द सेट। अच्छा सुधांशु जी, आई थिंक ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई चीज शुरू हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कोविड के पहले हो गई थी तो उस समय जरूर आप लोगों से मुलाकात हुई थी और बात हुई थी, लेकिन शो की शूटिंग हो गई, आई थिंक पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग सेट पर नहीं आ पा रहे हैं, मीडिया सेट पर नहीं आ पा रहा है। तो मेरी जी आपसे गुजारिश है कि अगर आप थोड़ा सा माहौल अगर हमें सेट का दिखा सकेंगे इस वक्त किस तरीके से शूट चल रहा है, और अगर आप हमें मैं सेट पे रूपाली जी से पहुंच अगर गया। मिलवा सकें एक बार। रूपाली जी शायद इस वक्त शॉट में होंगी, लेकिन मैं आपको फिर भी ये देखिए, ये हमारा, मैं अभी जहाँ बैठा हुआ था ये वो जगह है, ये हमारा पूरा आंगन है और ये वेरांडा है और उस तरफ मेरा रूम है, बेडरूम, और ये हमारा हॉल है। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारी बाह है, बाह खड़ी हुई है, और ये पूरी पूरी यूनिट, पूरी यूनिट आप देखिए यहाँ, ये हमारे साउंड रिकॉर्डर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारा घर का मंदिर है, ये मंदिर बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे आके रोज प्रार्थना हम करते हैं ताकि भगवान जो है हमारे घर को सुरक्षित रखें, रक्षा करें घर की। और ये मेरे घर का दरवाजा है जिसपे वनराज का लिखा हुआ, अच्छा, जितना और जितना हैवी नाम है कैरेक्टर का उतना ही ये हैवी घर भी घर बनवाया गया है। का हमारी शूटिंग चल रही है बाहर भी, दूसरी यूनिट काम कर रही है तो डबल यूनिट में काम चल रहा है। आप देख रहे हैं आप, सब हमारे टेक्नीशियंस खड़े हुए हैं और सबने मास्क लगा रखा है, सो यू कैन सी दैट दिस इज हाउ इट इज। एंड ये हमारी एंट्री है, वहां पे सारे सिक्योरिटी चेक होते हैं और टेम्परेचर्स और ऑक्सीजन लेवल चेक होते हैं। ये हमारा घर है बाहर से, आई डोंट नो हाउ मच यू कैन सी बट दिस इज वेयर इट इज, कृष्ण कुंज नाम है और ये वनराज था वंस अगेन एज यू कैन सी, सो भारत देयर इट इज। अभय और ये आपको हेलो बोल रहे हैं अभय जी, हमारे जो जी, कैसे हैं आप? स्टेट डायरेक्टर हैं, और यहाँ पे हमारी मरालसा जी बैठी हुई हैं। मरालसा, कैन यू से हेलो टू पारस, कैन यू से हेलो टू पारस। हाय, हेलो, हेलो, हाउ आई आर यू? एम गुड, हाउ आर यू? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पारस फ्रॉम इंडिया, इंडिया टीवी, वी आर डूइंग लाइव, तो जस्ट शोइंग कैसा यू कैसा लग रहा है आप मरालसा। लोगों को साथ में शूट करके? और ऑब्वियसली बहुत ही कैसा एक्साइटमेंट लग है रहा व्यूअर्स आपको? में, और शो का ऑफ फर्स्ट कोर्स बहुत एपिसोड आ गया और जिसको एक्साइटमेंट बहुत है, अच्छा जबरदस्त रिस्पांस मिला है, क्या कहना चाहेंगे सभी फैंस और व्यूअर्स को? फीलिंग ग्रेट बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर ऑल एमिंग फॉर। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पीपल आर लाइकिंग आवर वर्क एंड द शो, इट्स परफेक्टली, इट्स व्हाट वी ऑल इमेजिन एंड वांटेड। तो आज मेरी एंट्री है बाय द वे, आज के एपिसोड में थर्ड एपिसोड gonna be my वाओ, entry today in the show, so I'm super duper excited. I'm looking forward to this. But चलिए, also is going to rock the show. या आई एम He is श्योर actually सुधांशु going to जी, rock अगर the एक show बार and the family. आपके और रूपाली जी के साथ में दर्शन हो जाए तो, अगर मैं पॉसिबल एक है मिनट तो। रूपाली को देखता हूँ कहाँ पे है, मैं आई विल जस्ट ट्राई एंड फिगर आउट वेयर शी इज। रूपाली किधर है? रूपाली समर किधर है? समर कौन से रूम है? पारस आई एम
This is the first time I'm going to enter somebody's room because you're asking me to. हेलो रूपाली जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। पारस फ्रॉम इंडिया में। हेलो ऑल। सो यू सी शी इज सिटिंग हियर इन वन कोटा बारा। सो थैंक यू सो मच सुधांशु जी, आपने ये दोनों वो काम किया है हमारे लिए जो हम आके करते हैं अपने कैमरा से। थैंक यू सो मच फॉर दिस, क्योंकि नॉर्मली आपके सेट के दर्शन अभी तक हमको नहीं मिल पाए हैं मीडिया को। ये देखो, ये मेरी अनुपमा आ गई है यहाँ पे। रूपाली जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। एक्चुअली इंटरव्यू तो सुधांशु जी का था, बट मैंने कहा इनसे, मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप दोनों के साथ में दर्शन हो जाएं तो फैंस के लिए ट्रीट होगी। देखा, हो गए दर्शन। चलिए, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस। फर्स्ट एपिसोड को जो रिस्पॉन्स मिला है हमारे पास, बहुत Have you seen the episodes? Are you yeah, liking yeah, I them? Yeah, I did. It was a beautiful episode, and I'm. You must watch the show tonight, Paras, because it's supposed to be very very good tonight. Ji, bilkul. Thank you so much for talking to us. Thank you so much, both of you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.